नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। एक दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, जहां एक पूर्व सैनिक के सर पर शराब की बोतल मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। रोहतक जिले में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देर रात चीला बाईपास स्थित एक निजी होटल में एक दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक पूर्व सैनिक है और फिलहाल बिजली निगम में क्लर्क के पद पर गुरुग्राम में कार्यरत था। खुद दोस्त ने ही होटल मालिक को फोन कर जानकारी दी कि उसका सुरेश से झगड़ा हो गया है, जाकर संभाल ले। सिविल लाइन थाना, पुलिस व AFSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेजा गया। शीला बाईपास के नजदीक कमल कॉलोनी के एक होटल में महम के पूर्व सैनिक 45 वर्षीय सुरेश कुमार की हत्या कर दी गई। महम के वार्ड नंबर 14 निवासी सुरेश कुमार इन दिनों गुरुग्राम में बिजली निगम में कार्यरत था। सुरेश के सर पर शराब की बोतल से कई वार किए गए और पुलिस को सुरेश के दोस्त मिथाल निवासी सुनील पर हत्या का शक है। जांच में सामने आया कि आरोपी सुनील होटल के कमरे में सुरेश की हत्या कर वहां से चला गया था। करीब 3.5 घंटे बाद उसने रात को 9:37 होटल संचालक को फोन किया और कहा कि उसका सुरेश से झगड़ा हो गया था, वो कमरे में जाकर उसके दोस्त को संभाल ले। इसके बाद होटल संचालक जब कमरे में गया तो वहां सुरेश खून से लथपथ बेड के नीचे फर्श पर पड़ा था। उसने पुलिस कंट्रोल को सूचना दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें ये नहीं पता था कि झगड़े के क्या कारण हैं, लेकिन जिस तरीके से एक दोस्त ने दोस्त की हत्या की है, ऐसे में उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे लोग दोस्ती के नाम पर कलंक न लगा सके। सूचना मिलने के बाद थाना सिविल लाइन प्रभारी रमेश कुमार, मॉडल टाउन कॉलोनी प्रभारी निकेश अहलावत और AFSL प्रभारी डॉक्टर सरोज दैया मलिक की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज निकेश अहलावत का कहना है कि मृतक की पत्नी के बयान पर सुनील नामक शख्स व एक अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप का मामला दर्ज किया गया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हत्या में शराब की बोतल का ही इस्तेमाल किया गया है। नाम है आपका? विजेंद्र। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे पता चला आप लोगों को? रात को पुलिस गई थी 3 बजे, और पुलिस ने पूछा था भाई इस तरह सुरेश मेरा भाई है। क्या किसके साथ आया हुआ था? कौन? ये तो आपका सुरेश, ये ड्यूटी पे था गुड़गांव से, और गुड़गांव से ड्यूटी पर इसका कोई साथी था सुनील इस टाइम मिथा थोड़ा से। अब हमने तो कभी देखा नहीं, बाकी उसका दोस्त था, उन्होंने खाई पी करी है, ये होटल है कौन सा होटल है, और दारू दूर पी है उन्होंने आपस शरीर में, तो आपस शरीर में ही उनके क्या पता क्या पैसे का लेना देना था क्या था पता नहीं। अभी कहाँ जॉब करते थे? गुड़गांव। किस विभाग में? बिजली विभाग में। अच्छा, एक सर्विसमैन था? हाँ, फौज में तो रिटायरमेंट हो गए और इसमें बिजली विभाग में लग रहा। अब क्या चाहते हो आप लोग? हम देखो अभी क्या करेंगे, जो सच्चाई हवा आनी चाहिए। इस संबंध में है ना, कमल कॉलोनी में एक सिम्फनी होटल है, जहाँ हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि ना कि भाई दो व्यक्तियों का झगड़ा हुआ है। जो मौके पर पुलिस पहुंची तो देखा गया ना, एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला था, जिसकी बाद में शिनाख्त हुई है, सुरेश पुत्र सूरजमल निवासी महम, ये गांव सिंहवा से बिलोंग करता था, एट प्रेजेंट ये न्यू राजेंद्रा कॉलोनी रोहतक में रहता था। ये बिजली विभाग में LDC क्लर्क लगा हुआ था, फौज से रिटायर्ड आके। मुकदमा दर्ज कर लिया गया उसकी पत्नी के बयान पर, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक बाई नेम है, एक अन्य है जी। बोतल से वार किए गए हैं उसके शरीर पर। जी। ऐसी बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारी खबर कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।